नमस्कार दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि एक सलवार की चुंटे किस तरह से डाली जाती हैं और उसके साथ बेल्ट अटैच की जाती है। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे कि पोंचा कैसे बनाया जाता है और उसमें कितनी बुकरम लेंगे और पट्टी कैसे अटैच करेंगे, उसका एकदम सही तरीका मैं आपको बताऊँगी। मैंने बुकरम ले ली है और इतना छोड़कर कपड़े के ऊपर हम देखेंगे कि उसकी लंबाई नापेंगे कितना हमारा पोंचा है। उससे हम एक से डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ही बुकरम लेंगे दोनों साइड से। इतना यहाँ पे मैं मार्क लगा लूँगी। ये आप अपनी मोरी जितनी रखी होती है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बुकरम काटेंगे और इसके बुकरम के दो पीसेस कर लेंगे। जिसकी आप सलवार सिल रहे हैं उसी का सेम कपड़ा लेकर एक पट्टी लेंगे। जितनी आपकी बुकरम है उससे पट्टी चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक साइड से फोल्ड होगी और दूसरे साइड से आधा आधा इंच छोड़ के हम स्टिच करेंगे बुकरम को उस कपड़े के ऊपर। अभी मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ किस तरह से। ये देखिए, कपड़ा हम नीचे रखेंगे और बुकरम ऊपर पर। हम इसको बुकरम को ऊपर ही सिलाई लगाएंगे हाफ हाफ इंच कपड़ा छोड़ के। ये हाफ इंच कपड़ा इसलिए छोड़ेंगे, जब हम सलवार के साथ इसको अटैच करेंगे तब ये वहाँ पे स्टिच होंगी। हाफ इंच से ज़्यादा हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपके सलवार में झोल जो पड़ता है वो नहीं पड़ेगा और पट्टी की भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। मैं आपको एक पोंचा बना के दिखाऊंगी, दूसरा पोंचा उसी तरह से स्टिच करेंगे। देखिए, जो ये कपड़ा हम फोल्ड कर रहे हैं इसको खींचना नहीं है, ढीला ढीला ही फोल्ड करें, नहीं तो नीचे झोल पड़ जाएगा। और नीचे से थोड़ा सा सेट करके ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हाफ हाफ इंच मैंने छोड़ा है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट दूँगी। मेरा ये कपड़ा मोटा है इसलिए मैं काट रही हूँ। अगर आपका पतला है तो आप बुकरम कवर कर सकते हैं। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया है और मेरे सूट के काफ़ी सारे थ्रेड निकल रहे थे उसको भी मैंने कट कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। अब हम सलवार लेंगे, सीधा साइड पे सीधी पट्टी रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे। अब हम देखते हैं कॉर्नर में किस तरह से इसे रखना है। देखिए, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, अपनी जो पट्टी है देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि जब हम फोल्ड करें तो ये पूरा कवर हो जाए। अगर हम ये छोटा रखेंगे तो ये हमारा बुकरम छोटी पड़ जाएगी, इसलिए इसे एक्स्ट्रा रखना पड़ता है थोड़ा सा। देखिए यहाँ से, और जो हाफ इंच छोड़ा था उसको बाहर वाली साइड में रखेंगे। अभी स्टिच करके देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए, इतना रख लेंगे एक्स्ट्रा बाहर की साइड। अब इसको हाफ हाफ इंच के साथ इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि हमें बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हम बुकरम से बाहर लगानी है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, साइड साइड में सिलाई लगाएंगे। अगर बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई तो आप जब फोल्ड करेंगे तो वो आपका बहुत मोटा मोटा आ जाएगा, जिससे आपकी सफाई नहीं आएगी। इसलिए हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे बुकरम को भी नहीं खींचना और ना ही आपको कपड़ा खींचना, नहीं तो आपको यहाँ पे झोल पड़ जाएगा अगर आपने कपड़ा खिंचाव के साथ लगाया तो। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और ये देखिए, पूरा बुकरम कवर हो गया है इस तरह से। ये देखिए, साइड से आना चाहिए। इस तरह से मोड़ेंगे और एक टॉप सिलाई लगाएंगे।
सबसे पहले ये वाली ही सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, ये ध्यान रखें कि जो हम कपड़ा ये लगाएंगे इस तरह से इसको हाथ के साथ कपड़े को ऊपर की साइड करेंगे। इसको ना तो आप सीधा खींचेंगे ना ही नीचे की ओर खींचेंगे। अगर नीचे की ओर खींचा तो देखिए किस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपका झोल पड़ जाएंगे और सिलवट्टे पड़ेंगे, इसलिए इसको हाथ से ऊपर की ओर करेंगे। इस तरह से ना तो आपके सिलवट्टे पड़ेंगे और ना ही झोल आएगा। अब क्या करेंगे कि जो आपका फोल्ड करके अंदर की साइड आती है वहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा, बिगनर है, ये देखिए इस तरह से जब हम उल्टा करते हैं तो हमें बुकरम नहीं दिखाई देती और कई बार सिलाई नहीं सही आती, तो इस तरह से करके आप यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये वो उनके लिए टिप है जो पहली बार पोंछा बनाते हैं या जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है। ये देखिए, अब ये जो आपने मार्क लगाया है इस पे आप सिलाई लगा लेंगे, ये आपका निशान रहता है कि आपकी बुकरम यहाँ तक है। अब यहाँ पे भी आपको कपड़ा नीचे की ओर नहीं खींचाव करना, ऊपर की ओर सेट करते हुए डालना है ताकि बीच में आपके झोल ना पड़े। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से करेंगे कपड़ा तो आपको कभी भी झोल नहीं पड़ेगा। ये देखिए, अब साइड साइड में सिलाई लगा देंगे। मैं आपको यहाँ पे एकदम बेसिक बता रही हूँ, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं पोंछे का। ये बस आपको पट्टी किस तरह से लगाते हैं उसकी मैंने टिप बताई है। अब देखिए, आपकी पट्टी लग गई है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप इस तरह से काट देंगे। अब मैं यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई लगा लूँगी और अपना पोंछा कंप्लीट कर लूँगी। आपको जो भी अच्छा डिज़ाइन लगे आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरह से पट्टी लगाते हैं। इस तरह से अगर आप पट्टी लगाएंगे तो आपके कभी भी पोंछे में झोल नहीं आएगा। अब मेरा पोंछा स्टिच हो गया है। अब इसको किस तरह से सिलाई लगाते हैं पोंछे की सही, वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से फोल्ड करेंगे आप अपना पोंछा, आप जो पल्ले की सिलाई है उसको मिलाते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितना आपको पोंछा रखना है, मुझे रखना है 8 इंच, यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्क लगाया। अब ये ध्यान रखना है कि ऊपर से आपको 8 इंच नहीं रखना, आप तो 9.5 रखेंगे या फिर 10 इंच रखेंगे, 9 इंच रखेंगे, 9 से 9.5 इंच तक रखेंगे। मतलब कि जितना आपका पोंछा है उससे आप 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। कई लोग ज़्यादा तिरछा पहनना पसंद करते हैं और कई लोग कम, लेकिन 1 इंच से कम नहीं रखेंगे, नहीं तो आपकी सलवार खड़ी खड़ी आ जाती है, पीछे से कोन नहीं निकलती। मैंने यहाँ पे 1 इंच रखा है क्योंकि जिसकी मैं सलवार सिल रही हूँ उनकी डिमांड थी कि उन्हें ज़्यादा कोन नहीं चाहिए, तिरछा नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आप तिरछी लाइन लगा लेंगे और इसको मिलाते हुए आसन तक सिलाई लगाएंगे। आसन को पहले आसन के साथ मिला के देख लेंगे आप कि आपकी पूरी सिलाई सही से आ रही है। ये देखिए, मेरी एकदम सही आ रही है। अब इसको आसन तक स्टिच कर देंगे। इसी तरह से आप दूसरा भी पोंछा सिल लेंगे पट्टी अटैच करके। मैं आपको सिर्फ यहाँ तक बता रही हूँ। ये देखिए, ये जो सिलाई है ये तिरछी आनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं आनी चाहिए। ये 1 इंच एक्स्ट्रा जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे आपने जितना पोंछा रखना है उस। मैंने दोनों अब पोंछे अपने तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से आप मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।
मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।